भाई राजीव कपूर के गुजर जाने के बाद रणधीर कपूर इस वक्त अपने घर पर नहीं है, ये बड़ी खबर आई है उन्हें लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि रणधीर कपूर काफी बीमार रह रहे हैं। बीते एक साल से राजीव कपूर उनके पास रह रहे थे। लॉकडाउन में, पैंडमिक में वो अपने भाई का ख्याल रखने के लिए पुणे वाले अपने घर को छोड़कर चैम्बूर पहुंचाए थे, जहां पर राज कपूर के बेटों का कभी राज हुआ करता था। लेकिन राज कपूर के जाने के बाद, कृष्ण राज कपूर के गुजर जाने के बाद, ऋषि के चले जाने के बाद, राजीव के गुजर जाने के बाद रणधीर बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। ऐसे में इस बड़े से बंगले में तन्हाइयों से जूझने के बाद रणधीर ने बड़ा कदम उठाया। जो अपनी नर्स के सहारे अपने हर एक कदम को आगे बढ़ाते हैं, वो रणधीर कपूर ने जानकारी दी है कि वो इस वक्त शहर में नहीं है। जी हाँ, एक अखबार से बात करते हुए रणधीर कपूर ने इसकी जानकारी दी। जब रणधीर कपूर के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी उन तक पहुंची, तो रणधीर कपूर ने बताया कि रणबीर ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि एक्चुअली उन्हें क्या हुआ है, मैं शहर में नहीं हूँ। ये कहना है रणधीर कपूर का। रणधीर इस वक्त अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। हालांकि वजह क्या है इसके पीछे की, कि रणधीर चैम्बर हाउस में नहीं है, अपने आलीशान बंगले में नहीं है, इसके पीछे का कारण क्या है, वजह सामने नहीं आई है। रणधीर कपूर ने खुद भी अपने बीमारी की वजह से लोगों से तो दूरियां बनाई, लेकिन रणधीर कपूर अपने भतीजे के लिए रणधीर बहुत ज़्यादा चिंतित भी नज़र आए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।